इफ डायगोनल ऑफ रोम्बस आर 36 सेंटीमीटर एंड 48 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ आवर रोम्बस। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे रोम्बस को ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए परफेक्ट रोम्बस तो नहीं बनेगा, पर इसको ही रोम्बस एज्यूम करके चलना है। ओके, थोड़ा सा टेढ़ा आता है रोम्बस, नहीं हुआ। ओके, कोई बात नहीं। तो ये पहले वाला डायगोनल है, ऐसा सीधा वाला डायगोनल, ये है कितना 36, और ये दूसरा वाला डायगोनल है, ये है 48। ओके, तो डायगोनल का यहाँ पे जो है रोम्बस का 90 डिग्री में सबको कॉट कर दे, आपको पता ही होगा। तो पहले वाला डायगोनल कितना है 36, यानी कि 36 अगर ये पूरा है तो ये हाफ कितना हो जाएगा मेरा, 36 का हाफ यानी कि 18 हो जाएगा ये। और सेकेंड वाला डायगोनल को देखेंगे तो इसका हाफ यानी कि 24। तो आप पाइथागोरस लगा के ये वाला साइड को डेट ढूंढ सकते हो। तो पाइथागोरस लगाएंगे, एक साइड को ढूंढ रहा हूँ, क्या हो जाएगा 18 का स्क्वायर 324 प्लस 24 का स्क्वायर 576, तो ये मेरा हो जाएगा कितना अंडर रूट में 900 क्या का स्क्वायर है 30 का। तो मेरा साइड भी निकल के आ गया, ये वाला साइड भी निकल के आ गया 30। पूछा क्या है पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब क्या है, यहाँ से चला ये वाला, चला ये वाला, चला और ये वाला चला, ये पूरा पेरीमीटर है। तो रोम्बस में क्या होता है, साइड सब साइड इक्वल होता है, यानी कि 1 2 3 4 चार टू साइड है, इंटू 4 कीजिए पेरीमीटर के लिए सिंपली, तो कितना हो जाएगा 4 3 12 और 0, यानी कि 120 सेंटीमीटर मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके,